ये आप मेरी चादर देख सकते हैं, शाल जो मेरी बिल्कुल बर्फ के साथ, ये वो साफ हो चुका है हमारे साथ मौसम में नथिया गली मरी की तरफ। तो अपने साथ इंतज़ाम, फुल इंतज़ाम के साथ, ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इधर। तो आप मेरे ये ऊपर सर पे देख सकते हैं कि क्या साफ है मेरा। तो मगरब की अजानें हो चुकी हैं, हम मरी से तकरीबन 1-1.5 बजे निकले थे। चादर का हालत हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं किस तरह जमी हुई है, ये आप देखें बिल्कुल जो है ना कि ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होगी। माइनस पे जा रहा है अभी हमारा, देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी दिखाया, अभी फ्रंट बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे साथ क्या हाल हो चुका है अभी तक हमारा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप, आइए आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फिकर लाल और आप देख रहे हैं पाक गिलियात ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, ये वीडियो कुछ अर्सा पहले की मेरी अपनी है, ठीक है जी। और ये हम मरी से तकरीबन हम नथिया गली तक पैदल गए थे और तकरीबन ये हमारा सफ़र 26-27 किलोमीटर के कम तकरीबन ये बन चुका था। हम निकले थे दिन को 1 या 1.5 बजे मरी से, मरी मार रोड से और नथिया गली की तरफ गए और हमें जाना बहुत ज़रूरी था। और वीडियो जहाँ तक मुझसे बन पाई वहाँ तक मैंने वीडियो बनाई और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, जिसमें यह है कि अगर अल्लाह ना करे कभी आप भी इस तरह से हो जाएं तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होने ज़रूरी हैं, खाने पीने की क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और कितना टेम्परेचर कितना तक चले जाता है इधर। और मेरी शाल के भी हालत आप देख चुके होंगे, क्या मेरा सिस्टम बन चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव किया, हम नथिया गली तक पहुँचे और रात को तकरीबन 9:30 बजे घर पहुँचे। और इस वीडियो में बहुत इंजॉय करेंगे, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, इस वीडियो को तब डाल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं, खैरियत। आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं जी। हम आज अयूबिया की तरफ पैदल जा रहे हैं क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये रोड बिल्कुल बंद की हुई है। हम रास्ते में एक भाई हमें मिल गए तो सोचा इनके साथ ही गपशप करते हुए चले, तो आए आपको भी इंजॉय करते हैं कराते हैं साथ साथ। तो अभी हम इस टाइम मौजूद हैं छांगला गली के पास और अयूबिया नथिया गली के रोड पर। तो बिल्कुल रोड जो है ब्लॉक की हुई है, कोई गाड़ी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो हम जिस पे बैठ के जाएं। और आप पीछे मेरे ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना दरख्त बर्फ़ के साथ डंपे हुए हैं। तो और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये इतना बड़ा कोट पहना हुआ, क्या बताऊँ आपको, फुल साइज़ बड़ा जो है ना, फुल लॉन्ग कोट, और जूते भी इतने ख़ास नहीं थे। तो गाड़ी तो मिलती नहीं है इधर, पैदल ही जाना पड़ता है, तो क्या कभी गिरते हैं कभी क्या कभी क्या। तो चलो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं आगे का माहौल तो कैसा है। गाइस हम अभी ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं मागुल रेस्टोरेंट, बड़ा मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है, ये होटल है और ये आप देख सकते हैं इसकी हालत बिल्कुल, ये बर्फ़ के साथ डंपा हुआ है ना, कोई गाड़ी कोई किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे पीछे ली ग्रैंड जो हमारा छांगड़ा गली में होटल है, ये वो है। उसके बाद आपको दिखाते चलेंगे, बिल्कुल ये आप मेरी चादर देख सकते हैं, शाल जो मेरी बिल्कुल बर्फ़ के साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना, बिल्कुल जो जैसे कहते हैं फ्रिज में रख के निकालते हैं, ये वो साफ हो चुका है हमारे साथ। तो कभी भी आए इधर इस तरह के मौसम में नथिया गली मरी की तरफ, तो अपने साथ इंतज़ाम फुल इंतज़ाम के साथ आए, क्योंकि इधर ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इधर। तो जस्ट हम बिल्कुल भूखे ही चलना शुरू किया हमने, तकरीबन हम मरी से जो है कि पैदल मार्च करते हुए हम इधर तक पहुँचे। और कभी बर्फ़ थोड़ी सी कम होती है तो कभी तो इतनी ज़्यादा लग जाती है। ये अब मेरी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ लगी होगी। तो आप मेरे ये ऊपर सर पे देख सकते हैं कि क्या हिसाब है मेरा। तो कभी हम गिर रहे हैं कभी कि अब इंजॉय तो है, बट थोड़ी सी सर्दी भी है, इंजॉय ज़्यादा है, सर्दी से ज़्यादा इंजॉय है। तो हमारे साथ भाई हमारे माजद भाई हैं, ये हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, इन्होंने सही अपने को सेफ्टी किया हुआ, आप देख सकते हैं इनकी ये देख सकते हैं, बिल्कुल इनको नज़र नहीं आ रहा, आपको ये नज़र सही तरीके से नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये इस तरीके से ठीक है। तो मैं अभी स्किप करता हूँ थोड़ी वीडियो, आगे जाके आपको दिखाते हैं आगे का माहौल, जहाँ पे अयूबिया के करीब एक बंदर पॉइंट है, देखते हैं उधर के अभी बंदर हैं या नहीं। तो चलो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अगर से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरे ब्लॉग जो हम एक बना रहे हैं ये आपको पूरा हम गाइड करेंगे, क्या हिसाब होता है इधर क्या नहीं। ये भी देख सकते हैं कि ये रोडों का हाल है, मैं आपको बैठ के दिखा दूँ, ये सब रोड है पीछे, ये आपको टायर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो हवा भी बहुत तेज़ है और ये सामने बहुत प्यारा
माहौल बना हुआ है ये दरख्तों का, ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है दरख्तों का। तो चलो थोड़ी सी वीडियो को स्किप करूँगा, जाना कहीं नहीं, वीडियो एंड तक देखना, गिरने वाला था अभी तो बच गया हूँ, तो जाना कहीं नहीं। ओके जी गाइज, हम अभी वो बंदर पॉइंट पर पहुँचे हैं, इधर कोई भी नहीं है, अभी बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। तो मगरब की अजानें हो चुकी हैं, हम मरी से तकरीबन 1-1.5 बजे निकले थे, तो मरी से अभी ये थोड़ा सा फ़र्क रह गया हमारा अयूबिया चौक तक। तो अयूबिया चौक तक हम पहुंचते हैं, तो देखते हैं उधर से आगे क्या हिसाब है, हमें कोई गाड़ी मिलती है शायद ना मिले। एक गाड़ी हमारे पीछे थी तो उनके साथ फैमिलीज थी, क्योंकि वो प्राडो थी, बस निकल रही थी इस रोड पे, वो निकल रही थी। तो बर्फ़ अभी तक भी लगी हुई है, तो ये मेरी चादर का हालत हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं किस तरह जमी हुई है, ये आप देखें बिल्कुल जो है ना कि ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी। माइनस पे जा रहा है अभी हमारा, -3 चल रहा है, तो उस पर हम पैदल जो है कि चल रहे हैं, और ये आप हमारे देख सकते हैं कि बर्फ़ फुल अपनी जो है ना, अपनी जो मस्ती में लगी होती है उस तरह की लगी हुई है। तो अभी आपको अयूबिया चौक का विज़िट करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी वीडियो को स्किप करूँगा, फ्रंट का मंज़र दिखा के आपको, फ्रंट का मंज़र दिखाता हूँ कि फ्रंट पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। जी गाइज, आप देख सकते हैं फ्रंट का मंज़र, और ये ऊपर से बर्फ़ की आवाज़ आ रही थी, मैं देखा शायद क्या है क्या नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, और हम अभी अपनी मंज़र की तरफ रवा दवा हैं, और ये रोडों की हालात हैं। तो कभी भी आएं अपने फुल इंतज़ाम के साथ आएं। जी गाइस, आपने देखा कि कितनी तेज़ बर्फ़ लगी हुई है, ये आप मैंने देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया, अभी फ्रंट बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे साथ की क्या हाल हो चुका है अभी तक हमारा। तो चलें आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि तकरीबन आज के दिन में 2 फुट के करीब ये जो हमारी बर्फ़बारी हो चुकी है, ये नथिया गली पे अयूबिया के करीब, ये जो छांगड़ा गली का हमारा बंदर पॉइंट एरिया था, ये वो जगह है। तो आगे देखें, फिर एंजॉय करें हमारी वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, फिर से बता रहा हूँ आपको। तो जी गाइस, ये देखें आप, फुल अपने मौज मस्ती में बर्फ़बारी लगी हुई है।